खबर देहरादून से है, जहां वाहन संचालक करोड़ रुपए का रोड टैक्स नहीं दे रहे हैं। साथ ही विभागीय अफसरों ने अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अब तक रोड टैक्स नहीं जमा कराने वाले 299 गाड़ियों का चालान किया गया और 73 वाहनों को सीज किया गया। वहीं आरटीओ प्रवर्धन अधिकारी ने बताया कि सीज गाड़ियों का यदि समय रहते टैक्स जमा नहीं कराया गया तो उत्तराखंड कराधान सुधार अधिनियम 2003 के तहत नीलामी कर दी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बकाया वसूली पे हमारे विभाग का बहुत ज़्यादा फोकस है, पहले भी हमारा रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक ढंग से और एक प्लान वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नोटिस के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता है, लोग अपने टैक्स को जमा नहीं करते हैं, तो मार्सी जारी मार्ग पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं। अगर उनमें टैक्स की बकाया है तो उसको हम चलान भी करते हैं और गाड़ी को सीज भी कर रहे हैं। और सीज जो व्हीकल हैं, अगर उनके मालिक उनको उनके टैक्स सही टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो उनको हम नीलाम भी करेंगे। अभी तो एक जो पुरानी गाड़ियां थी उसका तो हमने नीलामी करवा दिया है, अब और भी जो नई गाड़ियां इकट्ठी हो रही हैं उसके लिए भी हम एक प्लान करके उनको जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से हम लोग इस बार नीलामी करवाएंगे।